ज़्यादा वर्ड्स नहीं है, लेकिन जब जब मजनू हंसा है ना, तब तब हम रोए। बस यही बोलूँगा, जब जब मजनू हंसा है ना, हम रोए। सब अच्छी थी भाई, एक लाइन है भाई, जब जब मजनू हंसा है ना, हम रोए। भाई स्टार का पता नहीं, आप खुद जाके एक्सपीरियंस कर लो यार, एक्सपीरियंस करने की मूवी आपके लिए भी है। आप लोग प्लीज़ फिल्म देखिए, आप लोग प्लीज़ एक्सपीरियंस कीजिए, जब जब मजनू हंसा है तब तब हम रोए हैं। बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे। आप प्लीज़ आप लोग जाके देखिए, प्लीज़ आप लोग एक्सपीरियंस कीजिए। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी मूवी है, बस ठीक है, रेडी? ओके, सो कौन सी मूवी देखी आप लोगों ने? लैला मजनू। कैसी लगी आपको मूवी? बहुत अच्छी। मतलब स्टारकास्ट नहीं है, उनकी एक्टिंग कितनी कन्विंसिंग थी, वो कैसी थी? बहुत अच्छी, ठीक ठाक। ओके, गानों की बात करें तो गाने कैसे थे, कितनी कन्विंसिंग? गाने बहुत अच्छे थे उसके, स्पेशली आतिफ असलम ने गाया है, दैट वाज रियली अमेजिंग। एंड दैट लैला वाला गाना वो बहुत अच्छा था, एंड आतिफ असलम इज माई फेवरेट सिंगर, दैट आई जस्ट लव दैट सॉन्ग। ये नए जनरेशन पे बेस्ड वाली लव स्टोरी है लैला मजनू, अगर लैला मजनू आज होते तो कैसे लगते? तो आपको क्या लगता है कि कितनी कन्विंसिंग थी, पब्लिक को कितनी पसंद आएगी? पब्लिक बहुत पसंद आएगी, और बहुत अच्छा ट्रेलर है उसका। मे बी आज मैं सबको बोलूँगी कि वहाँ वो मूवी जाके देखो, और सबको न्यू जनरेशन है तो उस लोगों को सपोर्ट करो, और लव स्टोरीज वहाँ वो बहुत अच्छी है, एंड आई लव टू सी लव स्टोरीज। अच्छा, और लास्टली कितने स्टार देना चाहेंगे? मैं 4 out of 4 दूंगी। बहुत अच्छी है, मेरे को ट्रेलर बहुत अच्छा लगा। अब मे बी मेरे को टाइम मिला तो मैं आके ज़रूर देखूंगी मूवी मेरे फ्रेंड्स के साथ, और सबको बोलूंगी प्लीज़ आके देखो, बहुत अच्छी है। आप कितने? थैंक यू। 4। थैंक यू, शुक्रिया बहन, आपने स्त्री बोला। रेडी? हाँ। ओके, कौन सी मूवी देखी? लैला मजनू। कैसी लगी आपको? वन टाइम वॉच है, लोग तो कॉमेडी मूवी अच्छी लगती है, लोग लव स्टोरी कहाँ से लाए। तो कितनी कन्विंसिंग थी, जैसे ये आजकल के जॉनर, आज की लव स्टोरी अगर लैला मजनू आज होते तो वैसी होती, तो कितना रिलेट कर सकते हो मूवी को? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, सॉन्ग्स अच्छे थे। ऑटोपैक 1.5 या 2, ज़्यादा नहीं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अभी बोलना है आपको बस। ठीक है, रेडी? लैला मजनू बहुत अच्छी। लैला मजनू कैसी लगी? लैला मजनू बहुत अच्छी है, उसमें आजकल की ट्रू लव स्टोरी है, मतलब आजकल के मॉडर्न ज़माने की ट्रू लव स्टोरी है। उसमें कुछ कश्मीर के सीन देखने मिले, और मतलब गानों की अगर बात करो तो गाने किस तरह के थे? गाने में थोड़ा डायरेक्शन थोड़ा कम था, बाकी बहुत अच्छी अच्छा गाना, बहुत अच्छा गाना लगा। लव स्टोरी को कितना रिलेट कर सकते? थोड़ा बहुत कर सकते हैं, बहुत अच्छी है। बाकी गाना विना बहुत अच्छी, लव स्टोरी भी बहुत अच्छी है, फिलहाल मॉडर्न ज़माने के लिए। अच्छा, ऑटो पे कितना स्टार देना चाहेंगे? सर 4 स्टार। थैंक यू। ओके, लैला मजनू कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। उसके को एक्टर जो अभी नए नए किए, पर उन्होंने एक्टिंग तो बहुत ज़्यादा अच्छी की है, और उसमें का गाना हाफिज, दैट इज सो अमेजिंग। आपको अविनाश अच्छा लगा या तृप्ति? तृप्ति। ओवरऑल अगर मूवी की बात करें तो वो कैसी थी? बहुत अच्छी थी, और स्टोरी भी बहुत अच्छी है, जो लोगों को समझ सके कि पहले लोग जो अभी के जनरेशन को तो बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि वो हिस्टोरिकल मूवी है, तो बहुत कुछ सीखने भी मिलेगा। अच्छी, अगर हम बात करें कि कितना रिलेट कर सकते हो? एवरेज। अच्छा, गाने की बात करें, गाने कैसे थे? गाना तो बहुत हाफिज तो मैंने बहुत ज़्यादा सुना है, तो उसके बारे में तो बता सकती हूँ, वो अच्छा है, बहुत ज़्यादा। कितने स्टार्स देना चाहेंगे लास्ट में? 4.5। थैंक यू सो मच। ज़्यादा वर्ड्स नहीं है, लेकिन जब जब मजनू हंसा है ना, तब तब हम रोए। बस यही बोलूँगा, जब जब मजनू हंसा है ना, हम रोए। सब अच्छी थी भाई, एक लाइन है भाई, जब जब मजनू हंसा है ना, हम रोए। भाई स्टार का पता नहीं, आप खुद जाके एक्सपीरियंस कर लो यार, एक्सपीरियंस करने की मूवी आपके लिए भी है। आप लोग प्लीज़ फिल्म देखिए, आप लोग प्लीज़ एक्सपीरियंस कीजिए, जब जब मजनू हंसा है तब तब हम रोए हैं। बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे। आप प्लीज़ आप लोग जाके देखिए, प्लीज़ आप लोग एक्सपीरियंस कीजिए। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी मूवी है, बस ठीक है,
रेडी रेडी ओके सो कौन सी मूवी देखी आप लोगों ने लैला मजनू कैसी लगी आपको मूवी बहुत अच्छी मतलब स्टार कास्ट नहीं है उनकी एक्टिंग कितनी कन्विंसिंग थी वो कैसी थी बहुत अच्छी ठीक ठाक ओके गानों की बात करो तो गाने कैसे थे कितनी कन्विंसिंग गाने बहुत अच्छे थे उसके स्पेशली आतिफ असलम ने गाया है दैट वाज रियली अमेजिंग एंड दैट लैला वाला गाना वो बहुत अच्छा था एंड आतिफ असलम इज माय फेवरेट सिंगर दैट आई जस्ट लव दैट सॉन्ग ये नए जनरेशन पे बेस्ड वाली लव स्टोरी है लैला मजनू अगर लैला मजनू आज होते तो कैसे लगते तो आपको क्या लगता है कि कितनी कन्विंसिंग थी पब्लिक को कितनी पसंद आएगी पब्लिक बहुत पसंद आएगी और बहुत अच्छा ट्रेलर है उसका मे बी आज मैं सबको बोलूँगी कि वहाँ वो मूवी जाके देखो और सबको न्यू जनरेशन है तो उस लोग को सपोर्ट करो और लव स्टोरीज वहाँ वो बहुत अच्छी है एंड आई लव टू सी लव स्टोरीज अच्छा लास्टली कितने स्टार्स देना चाहेंगे मैं 4 out of 4 दूंगी बहुत अच्छी है बिकॉज ट्रेलर बहुत अच्छा लगा अब मे बी मेरे को टाइम मिला तो मैं आके ज़रूर देखूंगी मूवी मेरे फ्रेंड्स के साथ और सबको बोलूंगी प्लीज़ आके देखो बहुत अच्छी है आप कितने थैंक यू 4 थैंक यू शुक्रिया बहन आपने स्त्री बोला रेडी ओके कौन सी मूवी देखी लैला मजनू कैसी लगी आपको वन टाइम वॉच है लोग तो कॉमेडी मूवी अच्छी लगती है लोग लव स्टोरी कहाँ से लाए तो कितनी कन्विंसिंग थी जैसे ये आजकल के जॉनर आज की लव स्टोरी अगर लैला मजनू आज होते तो वैसी होती तो कितना रिलेट कर सकते हो मूवी को बिल्कुल भी नहीं अच्छा सॉन्ग्स अच्छे थे 1.5 या 2 ज़्यादा नहीं थैंक यू सो मच लैला मजनू बहुत अच्छी लैला मजनू बहुत अच्छी है उसमें आजकल की ट्रू लव स्टोरी है मतलब आजकल के मॉडर्न ज़माने की ट्रू लव स्टोरी है उसमें कुछ कश्मीर के सीन देखने मिले और मतलब गानों की अगर बात करो तो गाने किस तरह के थे गाने में थोड़ा डायरेक्शन थोड़ा कम था बाकी बहुत अच्छी अच्छा गाना बहुत अच्छा गाना लगा लव स्टोरी को कितना रिलेट कर सकते हैं थोड़ा बहुत कर सकते हैं बहुत अच्छी है बाकी गाना विना बहुत अच्छी लव स्टोरी भी बहुत अच्छी है फिलहाल मॉडर्न ज़माने के लिए अच्छा ऑटो पे कितना स्टार देना चाहेंगे सर 4 स्टार थैंक यू ओके लैला मजनू कैसी लगी आपको बहुत अच्छी है बहुत अच्छी उसके को एक्टर जो अभी नए नए किए पर उन्होंने एक्टिंग तो बहुत ज़्यादा अच्छी की है और उसमें का गाना हाफिज दैट इज सो अमेजिंग आपको अविनाश अच्छा लगा या तृप्ति तृप्ति ओवरऑल अगर मूवी की बात करें तो वो कैसी थी बहुत अच्छी थी और स्टोरी भी बहुत अच्छी है जो लोगों को समझ सके कि पहले लोग जो अभी के जनरेशन को तो बहुत अच्छी लगेगी क्योंकि वो हिस्टोरिकल मूवी है तो बहुत कुछ सीखने भी मिलेगा अच्छी अगर हम बात करें कि कितना रिलेट कर सकते हो एवरेज अच्छा गाने की बात करें गाने कैसे थे गाना तो बहुत हाफिज तो मैंने बहुत ज़्यादा सुना है तो उसके बारे में तो बता सकती हूँ अच्छा है बहुत कितने स्टार्स देना चाहेंगे लास्ट में 4.5 थैंक यू सो मच वेलकम